सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो प्रिजमैक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक आपको नॉन स्टॉप टूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक के अंदर बने रहें, यहाँ पर सेल करें, होल्ड करें, बाय करें, क्या करें, आखिरकार कब हमें एवरेज करनी चाहिए। तो आपके बहुत सारे सवाल, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एक खुशखबरी की बात ये है, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वो दिन भर आप देखो कम होते नज़र आ रहा है। आज जो वॉल्यूम लगी स्टॉक के अंदर, यहाँ पर आप देखोगे 90,000 प्लस की वॉल्यूम लग चुकी है अभी तक, ठीक है। और आज स्टॉक के अंदर फिर से हमें एलसी देखने को मिल रहा है, 2% से सर्किट लिमिट है, इसीलिए आपको इसके अंदर 2% का एलसी देखने को मिला है। तो ऐसे में शेयर सेल भी नहीं हो रहे हैं। आपके बहुत सारे सवाल है कि शेयर सेल कैसे करें, तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही है, आप हाल फिलहाल अपनी होल्डिंग जो है इसके अंदर बनाए रखिए, सेल ऑर्डर मत लगाओ। अगर सेल ऑर्डर लगाओगे तो आपको पता भाई क्या होगा, ठीक है, स्टॉक और ज़्यादा टूटेगा, इससे अच्छा सेल ऑर्डर मत लगाऊं। और वहीं आप देखो अभी स्टॉक आपको नॉनस्टॉप तेजी दिखाएगा, लेकिन ऑपरेटर इसको जानबूझकर डंप करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो कि स्टॉक हाल फिलहाल भी हमें एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव देखने को मिल रहा है, ये भी बड़ा रीजन है अभी स्टॉक के अंदर गिरावट का जो पीछे स्टॉक के अंदर देखने को मिली। वहीं अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 134 करोड़ की मार्केट कैप है, और स्टॉक अपने 52वीं खाए से आप देखोगे लगभग काफ़ी ज़्यादा हमें टूटते हुए नजर आया, जो 10 रुपये है ना वहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अंदर कितनी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिली है, 10 रुपये से 3 रुपये पर स्टॉक आया हुआ है। और एक साल में जो इसने रिटर्न निकाल के दिए, नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है 63% के। तो ऐसे में आप देखोगे पीछे भी स्टॉक के अंदर कुछ टाइम के लिए आपको तेजी बनते नजर आई थी, बट वहाँ पर ऑपरेटर गेम था सारा का सारा, ठीक है। टेक्निकल इसका एनालिसिस करेंगे, वहीं पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक जो है किस लेवल से 5.17 रुपये से टूटना स्टार्ट हुआ और नॉन स्टॉप टूटते हुए नजर आ रहा है 3 रुपये तक आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, 40% के आसपास स्टॉक जो है टूट चुका है। तो ऐसे में आप लोगों को हाल फिलहाल क्या करना चाहिए, देखो भाई जैसा वैसा रहने दीजिए, जैसे स्टॉक 50% के आसपास गिरावट पर आपको देखने को मिल जाए वहाँ से एवरेज कर लेना, ठीक है। वहाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको बाय करते रहना है, नहीं ऐसा नहीं कि एकदम सारी आपको जो है एवरेज कर लेनी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप जो है वहाँ से बाइंग करते रहो इसके। तो ऐसे में आपको एकदम जो स्टॉक पंप दिखाएगा, जैसे यहाँ पर आपको देखो इसके अंदर जो तेजी बनी थी यूट्यूब के ऊपर एड चलाई गई थी, जिसकी वजह स्टॉक आपको 7.5 रुपये के आसपास जाते नजर आया, बट वहाँ से स्टॉक टूटा। उसके बाद आप देखोगे इस लेवल पर स्टॉक के अंदर तेजी बनी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐड चली इसी वजह से। तो ये तेजी का रीज़न सबसे बड़ा यही है, यूट्यूब के ऊपर ऐड चलना, उसके बावजूद स्टॉक के अंदर ये तेजी बनते नजर आई है। तो यहाँ पर आप देखोगे अच्छी वॉल्यूम लगी, जिसके कारण हमें ये बीच में पंप देखने को मिला। तो पंप एंड डंप वाला स्टॉक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर जो है बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें एवरेज करने चाहिए कब, जब स्टॉक आपको 50% टूटते हुए नजर आ जाए। एक और चीज़ आप देखोगे क्वार्टर रिजल्टों की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें आते हुए नजर आए, कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 3.50 करोड़, जी हाँ 3.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2.80 करोड़ का। तो प्रीवियस दोनों क्वार्टरों में आप देखोगे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में इंक्रीज हमें देखने को मिला है। काफ़ी टाइम के बाद प्रीवियस क्वार्टरों की बात करें तो वहाँ पर आपको कुछ खास प्रॉफिट होते नजर नहीं आया था, लेकिन अब आप देखोगे 2 क्वार्टर हो चुके हैं प्रीवियस क्वार्टर और अब की बार, दोनों क्वार्टरों के अंदर कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर भी स्टॉक के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि भाई ऑपरेटर गेम चल रहा है, ऑपरेटर जो है इसको जानबूझकर डंप करवा रहे हैं। एक बार आपने देखा होगा बीच में स्टॉक को पंप करवा दिया था, स्टॉक को नीचे से उठाकर फिर ऊपर से एकदम से गिरवा दिया। तो ऐसे क्या करते हैं, इंट्राडे में इसको घुमा देते हैं, नीचे से उठाएंगे ऊपर जाए स्टॉक भागेगा, फिर पब्लिक भी उसकी तरफ भागेगी, सेल बाइंग ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। जैसे बाइंग ऑर्डर ज़्यादा लगते देखने को मिलते हैं, ऑपरेटर फिर अपना माल निकाल देते हैं, उनको देख देते हैं, फिर पब्लिक जो है इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, और सेलिंग पर सेलिंग जिसकी वजह स्टॉक टूटते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके जो पिवट पॉइंट है वो क्या निकल रहे हैं, क्या इसका सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखो भाई सपोर्ट तो सारी सपोर्ट है, सारी इसकी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, बट आरएसआई का आप लेवल देखो कभी 25 पर, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके, यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी रेंज है इसकी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रेंज है आरएसआई की, तो आरएसआई की दम पर आप स्टॉक को उठा सकते हो, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको परचेज करना, ज़्यादा इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है कि एकदम से क्वांटिटी उठा लें, एकदम से इसको जो है ना एवरेज कर लिया जाए, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसकी जो है ना परचेज करते रहो हर गिरावट के अंदर, अब ठीक है। अब जो स्टॉक है 40% प्लस के अब वो गिरावट में आ चुका है, तो इससे अच्छा है यहाँ से स्टॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग करते रहना सबसे बेस्ट रहेगा। और जैसे स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी आप देखोगे 15-20% स्टॉक पक्का भागेगा, और वहां पर आपका जो लॉस है ना पीछे का वो कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा। मैं सारा तो नहीं कह रहा कि एकदम से सारा रिकवर हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा अगर आपके पास बैकअप में पैसा है तो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे स्टॉक को लेकर, अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।